पुलिस की सक्रियता और आमजन की हिम्मत और तालमेल किस तरह अपराधियों को सजा दिलाने में कामयाब रहे, यह देखने को मिला बहरोड़ में, जहां एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या किए जाने वाले आरोपी को अदालत ने मौत की सजा सुनाई। इस फैसले से पुलिस विभाग का मनोबल भी बढ़ा और आमजन में न्याय के प्रति विश्वास। अलवर पुलिस कप्तान ने उन पुलिस अफसरों को सम्मानित भी किया जिन्होंने इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलवाई। मामला मार्च 2016 का है, जब बहरोड़ में कुख्यात बदमाश प्रसन्ना और परा ने व्यापारी घनश्याम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस को इस गुत्थे को सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं था। आखिर पुलिस ने परा को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि आम जन में भय मुक्त वातावरण बने इसके लिए परा के खिलाफ गवाहों को तैयार करना और मजबूत साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल करना, जिससे अदालत ने परा को मौत की सजा सुनाई। उस दौरान तैनात एएसपी तेजपाल सिंह, सीआई रणजीत सिंह सेवदा, महावीर सिंह शेखावत का एसपी राहुल प्रकाश ने सम्मान किया और अदालत के फैसले की सराहना की। इस दौरान डीएसपी जनेश सिंह तंवर भी मौजूद रहे। यहाँ का एक कुख्यात अपराधी था और उसके द्वारा यहाँ पे एक व्यापारी घनश्याम अग्रवाल जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और लूट करने के फैसले लेने के उद्देश्य से उस प्रकरण में आज उसको माननीय न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा दी गई है। और इस तरह की सजा देने से जहां पूरे समाज में एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बनता है, विश्वास बनता है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रति, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का भी मनोबल बढ़ता है। आज हमने विशेष तौर पे यहां पे अपने तेजपाल जी एडिशनल एसपी साहब का सम्मान किया है, जो कि यहाँ पे सीओ बहरोड़ उस वक्त हुआ करते थे। रंजीत सेवदा जी का हमने सम्मान किया जो कि यहाँ पर एसएचओ थे उस वक्त, इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तारी करने और चार्जशीट इन्होंने पेश की थी। महावीर सिंह जी का किया जो कि केस ऑफिसर स्कीम के तहत स्वयं इसकी पैरवी कर रहे थे प्रकरण की। और इसके साथ साथ विक्रम एसआई जिन्होंने की प्रारंभ में केस ऑफिसर के तौर पर इसमें काम किया है, और हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उनका आभार भी यहाँ पे व्यक्त करने के लिए मैं आया था। और साथ में हम सभी लोग मिलकर के माननीय न्यायालय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार के निर्णयों से समाज में और पुलिस में जिस तरह का विश्वास और जिस तरह का अपराधियों के प्रति एक माहौल बन रहा है और अपराधियों में जो खौफ पैदा हो रहा है उसकी हम सराहना करते हैं। मार्च फर्स्ट वीक में विधानसभा सत्र चल रहा था 2016 में, उस समय हत्या हुई थी और रणजीत जी उस समय इंचार्ज थे यहाँ पर। तो ऑब्वियसली बात है, एक मतलब दिन में दिन दहाड़े हत्या होना तो उससे एक माहौल बनता है और लोगों में एक भय का माहौल बनता है। तो आज जो निर्णय हुआ है इसको बिल्कुल हम सब लोग एक बार वार्ता करने के लिए इसलिए हम भी आए यहाँ पर, इसलिए बहुत एक अच्छा मैसेज गया है और आमजन में विश्वास, अपराधियों में खौफ कायम होगा। प्रसन्नदीप पर्रा का पैरोड में इतना आतंक था कि मौके पर गए तो कोई बताने को तैयार नहीं था कि गोली किसने मारी। मतलब आधी घंटा थी इस बात के लग गई कि पता करने में कि किसने गोली मारी, फिर उसके बाद इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से परिजनों और आस पड़ोसियों को करके उनको गवाह के लिए एग्री किया, उनके बयान किए कि उन लोगों का भी जो गवाह है, उन लोगों को भी बहुत बहुत मैं इसमें आभार व्यक्त करूँ कि उन्होंने अपराधी के खिलाफ बेखौफ होकर गवाही दी और उसकी वजह से आज ये उसको आजीवन कारावास की सजा, उनका आजीवन कारावास और एक को फांसी की सजा हुई है।